الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة میرے محترم دوستو دنیا میں ہر انسان اپنا پوزیشن اپنا یہاں دیکھو تو کیا دیکھ رہے ہو پیچھے وہاں دنیا میں ہر انسان اپنا پوزیشن اپنا مقام اپنا گریڈ بڑھانے کی فکر میں اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گریڈ میرا مقام اور میری عزت اور میرا ویلیو بڑھ جائے گا تو میں لوگوں کی نظروں میں عزت والا بن جاؤں گا صبح سے لے کر شام تک ہر ایک اسی میں لگا ہوا ہے کسی میں اس کے لیے زمین و جائیداد باہر کسی نے تجارت کی منڈیاں اور کاروبار کسی نے عہدہ منصب اور ڈگری طے کیا اور پسند کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا مقام بن جائے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں کہ میرے بندے دھوکہ نہ کھا جائے اس لیے کچھ سیمپل اور نمونے بیان کیے ہیں جو مال کی بنیاد پر کہ مال جتنا زیادہ ہوگا آوک اور سیلری جتنی زیادہ ہوگی اسی اعتبار سے میرا ویلیو بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیمپل پیش کیا قارون کا قارون جتنا بڑا مالدار تھا قیامت تک شاید کوئی اتنا بڑا مالدار تھا اس کے جو خزانے تھے ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی اونٹ لائے جاتے تھے تو ایک اونٹ پر تو ایک چابی آتی ہے ایک اونٹ پر بولو نا ایک چابی آتی شو بنو دو نا کہہ رہے ہو ایک اونٹ پر ایک چابی آتی ایک اونٹ پر کئی بورے چابی آتی ہے تو کئی اونٹ لائے جاتے ہوں گے تو چابیاں کتنی اور چابیاں اتنی تو خزانہ کتنا
और खजाना इतना तो माल कितना। अच्छा बात चीजें ऐसी होती हैं कि वो सही बात समझने के लिए रुकावट बन जाती है। कानून को अल्लाह ने पांच बातें समझाई, अल्लाह ने समझाई, लेकिन एक बात भी उसने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? मान है इसी से काम हो जाएगा, इसी से मैं अपनी इज्जत बढ़ा दूंगा, कोई जरूरत पेश आएगी तो इसी से मैं पूरी कर दूंगा। बहुत समझाया लेकिन इनमें से एक बात भी इसने नहीं मानी। अल्लाह ताला किसी की पकड़ फौरन नहीं करते। बाप को गुस्सा आता है फौरन बच्चे को तमाचा मार देता है, मौलवी साहब को गुस्सा आता है फौरन बच्चे की तंबी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि अल्लाह ठीक दे, आज सुधरेगा कल सुधरेगा, आज समझेगा कल समझेगा। इसलिए कि अल्लाह को सित्ते माओं से ज्यादा मेहरबान है। और फिर अल्लाह ताला अपने उन बंदों को जो अल्लाह की बात नहीं मानते हैं उनको भी कहते हैं कि मेरे बंदे हैं। कोई बेटा अनाड़ी हो जाए, टकोरी हो जाए, माँ बाप के सर का दुखावा हो जाए, तो बाप जो है ना, बाप माँ तो फिर भी थोड़ी मेहरबानी कर देती है आड़े रास्ते से, लेकिन बाप जो है घर में कह देता है ये तो आवे तो इतना पहलवाना दे दी हो। हालांकि नाम उसका उस्मान ईशान उषा, लेकिन नाम भी नहीं लेता, ये तो आवे तो घर में ना पहवा देती। लेकिन अल्लाह ताला अपने उन बंदों को जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, युगा करते हैं, सट्टा खेलते हैं, शराब पीते हैं, बदकारियां करते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह क्या कह रहा है, हाथ दे रहे पड़े हो, अल्लाह क्या कहते हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, ओ मेरे बंदे, नबी जी उन मेरे बंदों से कह दो। आप क्या कहते हैं मां को बोल नहीं यार, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, यानी नबी मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने गुनाह करके मेरी नापरवानी करके मेरा विरोध करके मेरे अहकाम को तोड़कर अपनी जान पर जुल्म किया है, उन मेरे बंदों से कह दो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। कुछ समझ में आती है? अरे वो मैं तो कर लूं, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाओ। क्यों? इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह हर छोटे बड़े गुनाह को माफ कर देगा। ये मेहरबानी उसकी, वो तो घर में कुछ नहीं देता बाप। अल्लाह ताला जो बंदा गुनाह आंखों से करता है तो आंखें नहीं फोड़ता, जबान से करता है तो जबान पर लकवा नहीं डालता, कान से करता है तो कान के पर्दे नहीं फाड़ता, हाथ पैर से करता है तो हाथ पैर पर लकवा नहीं डालता। हमारा रब ऐसा मेहरबान है। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों से शिकायत की है, वमा कदरुल्लाह कदरी, मेरे बंदों ने मेरी जैसी कदर करनी चाहिए ऐसी नहीं,
नियत करो मदद करेंगे। अल्लाह कह रहा है कि मैंने इनको इतना दिया और सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत दी, ईमान की नेमत दी, लेकिन मेरे बंदों ने मेरी मदद दी। तो एक तो अल्लाह ने सैंपल और नमूना बयान किया कारून का, माल वालों माल के पीछे मत भागो ये समझकर कि इससे मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और मेरा क्या क्या तेरा स्वेटर इसी से बढ़ जाएगा स्वेटर तेरा। कहां भाग रहे हो? ये भागना ऐसा है जैसे जानवर भागते हैं, कुत्ता का भागता है जहां हड्डी हो, बिल्ली का भागती है जहां चूहा हो, और चूहा का भागता है जहां रोटी का टुकड़ा हो, और सुअर का भागता है जहां गंदगी हो। देखा है भागते हुए? बोलो ना, तो बनो सकेगा ना। अल्लाह ने मोहलत दी, लेकिन इतना याद रखना जब कोई ईमान वाला गलत चलता है तो उसके पकड़ की घड़ी अल्लाह के यहां तय हो जाती है। इसका वारंट अल्लाह के यहां निकल जाता है, अल्लाह के यहां से। जैसे एक चोर है, शराबी है, जुगारी है, बहुत डाका डाला है, बहुत हुकूमत के कानून तोड़े हैं, अब खुश होया है और खाप में देखा कि अपने तो नगर शेठ बन गए, बस क्लास पलंग है, ऐसी है, सामने गाड़ी खड़ी है, दो चार नौकर हैं, अभी उठेंगे तो नाश्ता मिलेगा, फिर दोपहर को डिनर मिलेगा और शाम को लंच मिलेगा। सही कह रहा हूं? आप कह रहे हैं तभी बनो सुनते तो मन को चाहू ना हो मजा। और उसके पीछे मारा निकल चुका है। एक आदमी की सैलरी लाख रुपये है महीने, घूमने के लिए गाड़ी है, सेंट्रो नहीं, स्कॉर्पियो नहीं, सिविक नहीं, वो तुम्हारी WW का कौन सी आगे वो है, लेकिन नमाज नहीं है, आंखों पर काबू नहीं है, माँ बाप की भरना बर्दादी नहीं है, लोग तो शायद शायद करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहां से इसका वारंट निकल चुका है। मामले में समझ अब ये खाप देख रहा था और पुलिस तो तलाश कर ही रही थी, तो एक बात वो ही पड़े हो, एक डंडा मारा चोर जोड़ा बंगलो WW चोर जुड़े करो, एक लाख की सैलरी कहां गई? हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अन्नासु नियामुन इदा मातु इंतबहु, लोग सोए हुए हैं, जब फरिश्ते का डंडा पड़ेगा तब जागेंगे। आपको भाषण सुनाने जमा नहीं किया यहां, अभी से सही चलो, अभी से ये बस सब जो बूढ़े होंगे तो दिनदार बनेंगे, मस्जिद का कोना पकड़ोगे, नहीं, अभी से नमाजों का इंतजाम करो, जिक्र का इंतजाम करो, दुरूद पाक का इंतजाम करो। अल्लाह का जिक्र मामूली चीज नहीं है, आते जाते अपनी आंखों की हिफाजत करो, जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी करो, तस्बीह हाथ में लेना जरूरी नहीं है, दुरूद पाक की बड़ी बरकत आई है। एक आदमी कर्जदार हो गया,
500 दिरहम का, दिरहम कहते चांदी के सिक्के। अब जिसके पास से कर्जा लिया था उसने काजी के पास कोर्ट में केस कर दिया। काजी ने बुलाया, बोला उठा करो पर्चे भरो। चंदन के दीना दी काफी प्रिय ने बुलाया, अभी इनके पैसे बाकी है, बाकी है दे दो, के साहब अभी नहीं है, मोहलत दे दो। तो मोहलत मोहलत नहीं है, या तो अदा करो या जेल दो। उसने कहा साहब एक रात की मोहलत दे दो। एक रात की मोहलत दी, देखेंगे सुबह से दो जाए। अब बीवी भी दीनदार थी, ये भी दीनदार था, क्या करें। ये सुना है कि दुरूद पाक पढ़ने से बरकत होती है, लिहाजा अपने पूरी रात दुरूद पाक पढ़ो, पूरी रात दुरूद पाक पढ़ी। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, खाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा जाओ, गुला नगर शेख है, हाकिम में शहर है, उसके बाद जाओ और कहो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि 500 दिरहम दे दो, और वो तुमसे पूछेगा कि तुमने ख्वाब सही देखा है तो बता देना कि हां मैंने ख्वाब सही देखा है, इसलिए कि तुम हाकिम में शहर तुम रोजाना इतने हजार मरतबा रात को दुरूद पढ़ के सोते हो, ये दलील में कह देना। वो गया हाजी भी शहर से, कहा इस तरह मैंने ख्वाब देखा है, तो तुमने ख्वाब देखा है तो फिर दलील क्या है क्या ख्वाब देखा है, क्या मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था कि ये शहर का हाकिम हाकिम है, बादशाह है, गवर्नर है, लेकिन रात को कई हजार मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सोता है। तो उसने कहा बात ठीक, और रोने लगा और 500 दिरहम दिए कहते हैं, और दूसरे 500 दिरहम दिए कि तू मेरे पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे काम बताया, इसका मतलब ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उससे राजी है। क्या बकवास करते रहते हो, क्या अनाप शनाप बोलते रहते हो, पढ़ो दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, लेसन करते करते बुक देखते देखते हाई स्कूल कॉलेज आते जाते दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। जब ये 500 दिरहम लेकर गया तो काजी से कहा काजी साहब दो, नहीं दूंगा, मैंने साफ देखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ में आकर फरमाया काजी अगर तू कयामत के लिए मेरी शिफात कर तो मेरी शिफात देना चाहता है तो मेरे इस उम्मत के लिए मैं इंतजाम कर दे। काजी साहब ने कहा 500 दिरहम मैं हाथ में लेके बैठा हूं, मैं तेरे इंतजार में नहीं था कि तू लावे तो छोड़ दू, न लावे तो जेल में डाल दू, तेरे पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने खुद इंतजाम कर दिया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश हासिल करने के लिए। फिर गुलाम को भेजा, जाओ उसको बुलाओ जिसका कर्जा है। काजी ने कहा लो इनका 500 दिरहम, एक पाई नहीं दूंगा, इसलिए कि मैंने साथ में देखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो इसका कर्जा माफ कर दे, लिहाजा मैं एक पाई नहीं लूंगा। ऐसी बरकत है, हाँ अल्लाह का जिक्र मामूली मसल, दुरूद पाक मामूली मसल। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला थे, औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला, इनका एक का एक बेटा था,
वो अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए गए, दुश्मनों ने इनको कैद कर लिया। इनके अब्बा और इनकी अम्मी परेशान, एक का एक लड़का और कैद हो गया दुश्मनों के पास। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास आए, मेरे भाइयों दीन में आसानी भी है और दीन में कामयाबी भी है, इधर उधर रख जाओ, अभी से जरूरत पड़े एग्जाम आए अल्लाह से करो, दुआएं मांगो, सस्ता निकालो, कोई भी जरूरत पेश आ जाए अल्लाह ही से करो। उसने एक मसला किसके हाथ में, जो उससे बोला अंदर उतरे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, हमारा एक बेटा था, दीन की मेहनत के लिए गया था, काफिरों ने पकड़ लिया है, आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, पढ़ते रहो। अब माँ बाप ने पढ़ना शुरू किया रात में, सुबह सुबह होते ही किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो लड़का मौजूद था जिनको दुश्मनों ने पकड़ा था। बेटा कैसे आया, तो उन्होंने तो मुझे बांध दिया था, लेकिन पता नहीं रातों रात उनके सारी बंधन रख कर लिया और जमीनें डूब गई और मैं रातों रात निकला, अकेला नहीं आया, इन दुश्मनों का माल यानी मूल जानवर भी लेकर आया हूं। तू समझता है कि सोचता है, ये जिक्र की बरकत है। अनाज शराब न रखो, अनाज शराब मत देखो, आप जिंदगी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, अपना गिरे माल में नहीं, माल में होगा तो कानून कामयाब हो जाएगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझा, बल्कि मूसा अलैहि सलाम व सलाम पर जीना काली की तोहमत लगा दी, अल्लाह के नबी पर। ये माल का नशा इतना खतरनाक होता है, बोतल का नशा बिस्मिल्लाह करके एक थप्पड़ मारो तो आधा बदल जाता है। आज तो मुसलमान का बच्चा शराब पीता है, गर्द पीता है, अफ्यूम पीता है, क्या क्या कर रहा है भाई। तू इतना गिरा कि तेरी अकल एक बकरी और एक मुर्गी के चूजे की तरह भी नहीं रही। मुर्गी का चूजा 5 किलो का होता है, कितने का होता है, अल्लाह मुर्गी नू बच्चों 5 किलो में आवे। तीन दिन का मुर्गी का बच्चा छोटा सा, आंखें छोटी, जौन छोटी, पांव छोटे, अब वो तो खाना तो खाएगा। अब जमीन पर करोड़ों की तादाद में रेत के दाने हैं और कहीं कहीं अनाज के दाने हैं, लेकिन वो रेत का दाना नहीं खाता, अनाज का दाना खाता है। वो 3 दिन का मुर्गे का बच्चा भी ये समझता है कि मेरे मालिक ने मेरी खुराक रेत नहीं बनाया है, मेरी खुराक अनाज बनाया है। बकरे लाई, आंख के घर में मटन तैयार हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, शोरबे वाला। अब आपके आंगन में बकरी थी जो सुबह 2 लीटर शाम को 2 लीटर, तो बच्चों ने कहा अम्मी अपने खाएंगे बकरी नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा नाना अच्छा हो याद दिलाया, और प्लेट में भुना हुआ तला हुआ वो मटन लेकर बकरी के सामने रखा, बहन जी खाओ। केन के तभी सवाल में सोइए 2-2 लीटर दूध देते हो। अब वो खाने रखी तो बकरी पहले रखने वाली औरत को देखी ही तारू कही थी कशी। केर मारकर प्लेट को उल्टा कर देगी, मेरी खुराक मेरे अल्लाह ने ये नहीं बना ली है, मेरी खुराक मेरे अल्लाह ने काश बनाई,
ओ मेरे भाइयों, अपने आप को संभालो, वरना मुर्गी का चूजा अपनी खुराक जानेगा, बकरी अपनी खुराक जानेगी, ये मुसलमान का बच्चा अपनी खुराक नहीं जानेगा, पता नहीं क्या क्या खाएगा और क्या क्या पिएगा। अपने आप को संभालना पड़ेगा। नशा होता है। तो कारून ने इल्जाम लगाया, मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम जलाली ने नहीं, मतलब कोई मौत आया, मूसा चलो मौत, अब मारा थप्पड़ मांग निकल गई, मतलब कोई मौत, मतलब कोई मौत नहीं, अल्लाह के वादे, अल्लाह मूसा ने तो थप्पड़ मारी आंख निकल गई, तो अल्लाह ने कहा मेरा मूसा जलाली है, अल्लाह ने आप सही कर दी, फिर तक दो बार आ जाओ और मूसा से कहो कितना जीना है तुम्हें, एक जानवर लाओ उसकी पीठ पर हाथ रखो, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आ गए इतने साल जीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसके बाद मौत और पिछले जन्म। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दर में अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी देर के लिए मैं जमीन पर तुम्हें कब्जा दे देता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा ओ जमीन इस मजबूत को निगल, निकलना शुरू किया, उचल तक ए मूसा छोड़ दो, क्या और निकल ए मूसा छोड़ दो, उचल तक और निकल ए मूसा छोड़ दो, कमर तक और निकल ए मूसा छोड़ दो, गले तक ए मूसा छोड़ दो, क्या और निकल, यहां तक के उसके सारे खजाने के साथ अल्लाह ने इसको जमीन में धसा दिया। ओ माल वालो, अगर तुम भी दौड़ोगे दीन को छोड़कर, हो सकता है तुम्हारे साथ भी ये मामला किया। सैंपल आ गए और हदीस पाक में आता है कि कयामत तक दस्ता रहे, कयामत तक दस्ता रहे। एक नमूना पेश किया अल्लाह ने, कुव्वत और ताकत और यहां 60 फुट बदन लंबा, 40 फुट बदन चौड़ा। अभी एक कौमी आदमी से एक आदमी मस्जिद में खड़ा हो जाए सारा मजमा लगा, और ताकत कितनी कि बड़ जैसे दरख्त को, जैसे हमारा छोटा बच्चा खेत में से मूली हिलाकर निकाल देता है, उनका बच्चा वर जैसे दरख्त को हिलाकर निकाल देता है, इतनी बड़ी ताकत दी तो इतनी बड़ी इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, पर ना, नशा आया, नशा। हाँ, और क्या नारा करने लगे, माशा तो मीना हुआ, मुझसे बड़ा ओहदे वाला कौन, मुझसे बड़ा डिग्री वाला कौन, मुझसे बड़ा सैलरी वाला कौन, मुझसे बड़ा हुनर वाला कौन, मुझसे। इन्होंने भी कहा मन अशक्त मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा बोलना, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन, हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन, मन अशक्त मिन्ना कुव्वा, क्या भूल तू हमें समझा रहे हो कि हम दीन पर नहीं चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, अरे हमारी ताकत हमें कामयाब कर देगी, हमारी डिग्री हमें कामयाब कर देगी, हमारा ओहदा हमें कामयाब कर देगा, हमारा इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, वकील बना है? और गवर्नर बना हमें कामयाब कर देगा, हमें कर देगा, कामयाब कर देगा, बोलो ना। हाँ जल्दी आना कहता। अल्लाह ने जवाब दिया अवलम यरौ अन्न अल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम क़ुव्वा, अरे नादानों को इतना भी ख्याल नहीं आया कि जिस अल्लाह ने उनको पैदा किया है वो अल्लाह इससे ज्यादा ताकत वाला है। लेकिन बात नहीं मानी, बात मानी नहीं और मारन की घड़ी आ गई, ये तो नशे में पड़े थे। अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन वावाजोड़ा भेजा, क्या भेजा,
ऐसा सख्त वहां जुड़ा कई 60 फुट लंबे 40 फुट चौड़े इंसानों को इस हवा ने ऊपर उठाया। जैसे हवा का तूफान आता है तो बारीक बारीक घास के तिनके वगैरह कागज ऊपर उड़ते हैं, इस तरह अल्लाह ने इनको ऊपर उठाया और ऊपर ले जाकर पहाड़ों से टकराकर इनका भेजा फोड़। फिर अल्लाह कहता है हल तारा लहू मिन बाकिया, इनमें तो ये हाथ होने से तो यू ये नमूना पेश किया है। जवान में ताकत होती है, बुरा कमजोर होता है। ताकत के नशे में बदकारियां न करो, ताकत के नशे में शराबी न पियो, ताकत के नशे में नमाजे मत छोड़ो, ताकत के नशे में माँ बाप को परेशान मत करो, ताकत के नशे में उम्मत की लड़कियों को मत छेड़ो। तो ताकत वालों के लिए सैंपल आ गया कि भाई वकील लड़ो। जैसे मदरसा में मौलसा पढ़ाते हैं ये मदरसे में बेंच और जेंच नहीं होता, मौलसा भी नीचे बैठते हैं और विद्यार्थी भी छोकरे भी। या क्या इशारा है कि अल्लाह का इल्म आदमी को छोटा बनाता है, बड़ा ही नहीं जानने देता है। और दूसरा जो अभ्यास है, अभ्यास उसको ये बने कहेंगे अभ्यास अभ्यास, हाँ वो आदमी को जरा ऊपर ले जाता है। अनद्यत जो को और भी उसको दिन समझाओ भाई, नमाज रोजा हर ये गो भाई दिनदारी नहीं नहीं मोल साहब एक्चुअली सुन एक्चुअली क्या स्वाति शिशु को किस बोली एक्चुअली आम छे आम छे आम छे क्या आम छे ला अजान हो गई नमाज के लिए जा, आंखें अल्लाह ने देख दी है तो गंदे मोबाइल पर मत बोल, कान अल्लाह ने दिया है तो नंगी औरतों की आवाजें मत सुन। ना ना मुझे एक्चुअली जरा मूड मूड कर क्या मूड मूड वो कहता है मजा असल में तो यू था यू था यू था, तो अंग्रेजी का यू देखा है उसके टॉडी अंदर होते हैं टॉडी अंदर तक जाइए बेटा सीधो सीधो है मुसलमान बड़ी। अल्लाह का इल्म सीखो, कुरान सीखो, नमाज में पढ़ने वाले सुनते सीखो, हलाल हराम को जानो, क्या देखना क्या न देखना, क्या सुनना क्या न सुनना, माँ बाप के सताने पर क्या है, ये सारी चीजें सीखो। तो वहां मदरसे में तो सब नीचे ही बैठते हैं और दूसरी जगहों पर सब बेंच पर बैठते हैं ऊपर। आई एम समथिंग हालांकि उस नादान को पता नहीं है कि समझ किसको कहते हैं, समझ कहते हैं थोड़े को और ये तो हम समझते हैं गिरास क्या मैं थोड़ा हूं तो तू थोड़ा इसलिए नमाज छोड़ रहा, तू थोड़ा इसलिए दाढ़ी बुलवाता है, तू छोड़ा है इसलिए तू छोटा है और थोड़ा है इसलिए गलत लिबास पहनता है। किसी स्टूडेंट से कहो भाई ये नहीं पहनना चाहिए ऐसी बालों के कटिंग नहीं, बोले साहब मैं मदरसे में नहीं पढ़ता, मैं तो हाईस्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, तो वहां जाने के बाद तो मुसलमान नहीं रहा ना? वहां जाने के बाद तो मुसलमान नहीं रहा, चाहे मदरसे में रहे यूनिवर्सिटी में रहे कॉलेज में रहे हाईस्कूल में रहे अपनों में रहे परायों में रहे अच्छे माहौल में रहे गंदे माहौल में रहे मुसलमान मुसलमान है। स्टूडेंट का दिन अलग है,
विष्णु की नमाज अलग है। वो जवाब देता है बोलता तमी हम क्या शौक है मुझे मदरसा में मौजूद हूँ न बोल के हूँ नजर हाँ ये विष्णु धर्म हाँ ये विष्णु धर्म तू शिदो शिदो रहे भाई अजी तो भला संतारा पवल से पहले शू कर सो शाही बनशो एटले सैंपल पेश किया ताकत वालों का एक सैंपल पेश किया कारीगरों का हिफत का सनात का टेक्नोलॉजी का क्या हाँ टेक्नोलॉजी कौमी संपूर्ण अजीब अल्लाह ने कारीगरी दी थी वकानू यानी हिंदू ने मिले जिबाले को यूं था अपने हाथों से पहाड़ कुतर कुतर कर बंगले बनाते थे जी। लेकिन जब दीन नहीं होता तो समझ नहीं होती वो तो दीन समझदार बनाता दीन नहीं होता अब वो क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम अपने हाथों से पहाड़ को कुतर कुतर कर मकान बनाते हैं अगर तुमने वो हुंजरी को नहीं देखा वो छोटा चकली जैसा चिड़िया जो दरख्त पर अपना माड़ा बनाती है और वो भी उल्टा बनाती है और तिनके जमा कर करके ऐसा मजबूत बनाती है कि वावा जोड़ा आवे तो दरख्त गिर जाता है लेकिन वो माड़ा नहीं गिरता तुम्हें सोयू ना टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तारा नहीं तो यह हारी और भी झूलने के लिए झूला भी बनाती है बेडरूम भी बनाती है उवावट खाती है बनाना से हाँ देखा है वो जाड़ों को उल्टा लटक कर रहता है माड़ा जे जोवा से जोता नजर बिजू दो दो करो ये देखो अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी कोई औजार नहीं कोई हथियार नहीं चोंच और दो पंजे इसी से वो माला बनाती है अपना घोंसला बनाती है। एक साहब थे एक दीवार के पास जाकर खड़े हो गए शायद शू रिसर्च करो अल्लाह भाई एक बात समझना आती नहीं शू दिन तो हम तो बैठो आपको क्या समझना है वहां पर देहात वाले जब जानवर गोबर करते हैं तो गोबर को थाप कर दीवार पर चिपका देते हैं जब वो सूख जाता है तो उससे अपनी रोटी बनाते छाना गोबर का छाना तो किसी ने इसे चिपकाया होगा तो शायद उबर लिया शायद फिर दुबस हो अरे भाई और बस गौर प्रॉब्लम से इशू से बन बजू ना ही यू इशू ना कुछ फिर तो ना ही तो पास हो गए पर आज आज जैसे नहीं है मजू आप इशू से ये मारो तो आप जो जानवर आठ ऊंचू थी ये गोबर की भी निकल गई है हाँ इनकी समझ ये इनकी समझ अरे आप गोबर जानवर ऊंचू ऊंचू क्यों ये तो नेचर ने फारे क्यों तू पर लोगों ने इन्हें फायदा उठाने वाले छोड़ो बोला जी हाँ अजीब आज मेहनत दे रही है कि मुसलमान का बच्चा शक में पड़ गया अल्लाह के बारे में शक हाँ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में शक कुरान के बारे में शक इस्लाम के बारे में शक इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शक्क फी हक़ बादल यकीन ये अल्लाह जो चीजें हकीकत है इसमें यकीन आने के बाद शक से मैं तेरी पना चाहता हूं हाँ कमला ये है मुसलमानों शक पैदा हो जाए शक पैदा हो जाता है
अफवाह में सबूत टेक्नोलॉजी, तो इससे तो बेहतर ये कि जो चिड़िया है ना वो टेक्नोलॉजी, वो कौमे हाथ ताकतवर भर अशर तुम इन्ना कुआ अरे वागनर तो है वागनर तो नहीं क्या कहते हैं उसको तमिशु को टाइगर अनुशीन शु को देखा नहीं है खाली बालो मारो तो तब पिछा में भी जाए वो जब बोलता है ना गरजता है ना 3 मील तक उसकी आवाज जाती है ताचो पोचो दो ही नके और उसके पंजे में इतनी ताकत होती है 10 टन की ताकत होती है एक थप्पड़ मारे तो गाड़ी के साथ 10 मील की रोटी बना देता है मनुष्य तो बिना कुआ उसको देखना अगर ग्रेड बढ़ता मकान बढ़ता और वजन बढ़ता तो शेर का बन जाता और अगर टेक्नोलॉजी से इज्जत बढ़ जाती तो वो परिंदा जो है उजली उसका बन जाता दो चीजें होती है पहले जमाने में पैसे होते थे एक काम और एक छान रम्यासो शुभाची मेरू से रमता एक काट और एक छान अल्लाह ने काट भी बताई देखो कौमे आद को कौमे समूद को देखो कारून को और देखो मेरी पैदा की हुई मखलूक इंसान में ताकत ज्यादा के शेर में अल्लाह मानू ताकत बता रहा के मोरस मु पहुंची मत जाऊ जीत ले जाओ साले इस्लाम समझा रहे हैं भाई नूह अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद हो गई हूद अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद हो गई सुधरो तुम भी अल्लाह की इबादत करो अल्लाह की बात मानो अल्लाह ने तुमको हुनर दिया है टेक्नोलॉजी दी है वो देने वाले को मत भूलो क्या कह रहे हैं साले नबी का नाम है और साले हमारी एक शर्त है हम तुम्हारी बात उस वक्त मानेंगे हम तुम्हारे खुदा को उस वक्त मानेंगे जब तुम्हारा खुदा पहाड़ में से 10 महीने की गाबन उजरी निकाले पहाड़ मुझे उजरी आवे सारे समय देखो बात माननी पड़ेगी कि हाँ तब दुआ की ए अल्लाह ये तेरे बंदे कहते हैं कि तू पत्थर में से उजरी निकाल दे अल्लाह ने निकाल दिया पहाड़ फटा बाहर बटा और 10 महीने की कामन उंजरी निकली और आने के बाद इसने बच्चा किया अब कोई चीज बाकी नहीं लेकिन आदमी जिद में होता है भाई ठीक से अगर ना पाटन बोलाया था आपको ना हंसाया था लेकिन हाँ एक शुरू ठीक है भाई तेरी मर्जी की बात है कोई तेरा पाँव मारने नहीं आएगा गला दबाने नहीं आएगा भविष्य करना बता रहे जब मुझे चिट्टू भयंकर दारू नुकसान करे वो भविष्य करना बता रहे आने वाला वक्त तुझे बताएगा आज पता नहीं चलेगा आज तू जवानी के नशे में है बर्तन गर्तन के नशे में है ओहदा डिग्री सहरे सहरे के लालच में तू चल रहा है तुझे पता नहीं चलेगा एक मरतबा अबू जहल आप अली साहब के पास आए दुश्मन और अपनी मुट्ठी बन गए मोहम्मद सल्लल्लाहु आप ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है आप ये बताने आगे किसकी मुट्ठी में क्या है किसके जेब में क्या है किसके घर में क्या है आप तो आखिरत बताने आए थे अल्लाह का अहकाम बताने आए थे आप अली साहब ने फरमाया ए अबू जहल मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की चीज ये बताए कि मैं कौन हूं अहमद पड़ी आना तो बोलो का ठीक है मेरी मुट्ठी की चीज ये बताए कि आप कौन है वो मुट्ठी में कंकरिया लेकर आया था तो आपने पूछा बता मैं कौन हूं तो कंकरियों में से आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
واشهد ان رسول الله, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं साक्षी देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई बात नहीं, लेकिन जिद्दी था तो गुस्से में आया, मारा आदमी ने तू ये फरी नहीं, मारा आदमी ने तू फरी नहीं, हाँ गया वो, जिद ना करो। तो इन्होंने अल्लाह ने कहा दे ना मतलब, ये अल्लाह की उंगली है, जो खाए खाने दो, जो पिए पीने दो, इसको मत छेड़ना। लेकिन जब किस्मत फूट जाती है, किस्मत बोलो, किस्मत फूट जाती है, भविष्य खराब होने वाला होता है, तो आदमी बेदीनी की राह पर चलता है। इन्होंने मशवरा किया, वही उंगली को काट दो, उंगली को काट दो, मटन बना लो। आदि नाकतुल्ला, सादे अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील, अल्लाह की कुदरत की निशानी, मुझे तो जवाब दिया, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, अल्लाह की कुदरत है, दाढ़ी बनवाते हो, दाढ़ी कटवाते हो, यानी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तुम्हें क्या मालूम कि ये दीन कैसे आया है, दाढ़ी में आपके साथ क्या हुआ, ओहद में आपके साथ क्या हुआ, आपकी दो दो बच्चियों की तलाक हो गई, आप सजदा कर रहे हैं और नालायकों ने लाकर ऊंट की उजड़ी डाल दी, आप नमाज पढ़ रहे हैं और एक ने आकर गले का फांदा बना दिया, चादर से आपका गला कोट लिया, क्या करते हो तुम, ऐसे प्यारे नबी की सुन्नत को अपने हाथों से मुसलमान होकर इस नशे में आए स्टूडेंट, तो भूल गया कि पहले दिन तू स्टूडेंट नहीं था, पहले दिन तू ईमान वाला था। जब तू दुनिया में आया, तेरे कान में अजान कही गई, तेरे कान में तकबीर कही गई, तुझे बात समझाई, तेरी राह और है, दूसरों की राह और है, तेरी सोच और होनी चाहिए, तेरी चाल और होनी चाहिए, तेरी जिंदगी का रूप और होना चाहिए, यह अजान और तकबीर के जरिए से तुझे बात समझाई। आदमी एक गुनाह करता है तो गुनाह आपस में बहने, गुनाह आपस में, गुनाह आपस में बायो सजा, गुनाह आपस में गुनो सर, एक गुण की तुम्हारा निकाह क्या तो इन्हीं बद्दी गुणों की तुम्हारा ताल्लुक थो क्या ना थो, ये बद्दी गुणों तुम्हारी शुद्ध खाली होती ना, कोई खबर से क्या एक बहन से ताल्लुक हुआ तो सब बहनों से हो गया, एक गुना करोगे वो अपनी बहन को बुलाएगी, तू भी आ जा, बीजी आई तू भी आ जा, किसली आई तू भी आ जा, हाँ जैसे ताल्लुक को खुजली हुई, क्या कहते हैं अब ये जब आदमी खुजलता है ना तो मजा आता है, एकदम खुजला, वही कहते थे ना वो खड़ू न सुनो, थोड़ी देर के बाद फिर, थोड़ी देर के बाद फिर, हाँ बड़ा खतरनाक रास्ता है, बड़ा खतरनाक रास्ता है। उंगली को तो जिबा किया, अब उसका जो बच्चा था उसके पीछे भागे और जिबा करो, बहुत मजा आई मंडल में, बहुत मजा आई मोबाइल जुआमू, बहुत मजा आई नंगी औरतों की तस्वीर जुआमू, बहुत मजा आई नंगी औरतों ने गाना उगड़वा, बहुत मजा आई पासवर्ड नौ इंट्री को दाखिल कर, नौ इंट्री प्रवेश मन, आई एम समथिंग नेपली जाए बदू अंदर ना की गाड़ी मेरी स्ट्रिंग मेरी, और कोई पुलिस वाला मुझे रोके, लाल लाल बत्ती मुझे रोके, मैं रोकूं, वो रास्ता भीड़ वाला है, ट्रैफिक वाला है, वो नो एंट्री वाला रास्ता खाली है, मेरी मर्जी की बात है। आज ये समझाया जा रहा है,
मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी बोलना मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। ठीक है, एक हाथ छोड़ दे पानिया हो जा, एक पैर तोड़ दे लंगड़ा हो जा, तेरी मर्जी। बाप की नहीं मानी, माँ की नहीं माननी, मौली साहबों की बात नहीं माननी, आगे वालों की बात नहीं माननी, बस चलो जहां चलो चलो, इधर को इधर की हवा है, चलो इधर को इधर की हवा है, उछड़ा जाए करो, और मैं हाथ पटा भिड़ो रख जाए करो। और बच्चे के पीछे पड़े तो बच्चे ने तीन चीख मारी और पहाड़ फटा, बच्चा अंदर चला गया। ये तीन चीख क्या थी? बच्चा ये कहकर गया, मेरी मां को तो तुमने जिबा किया है पर उनका मटन खाया है, और तुम्हें ऐसा चस्का लगा कि मेरा भी मटन खाने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। सुन लो, तीन दिन के बाद खुदा का अज़ाब आएगा। फिदाले तुम सलासतर या फायदा उपाड़ी लो, तुम्हारा घरू नहीं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, फायदा उपाड़ी लो तीन दिन, और झूठा वादा नहीं है। इसके अलावा बुला है न करू न करू, और कुछ फिर करूं जरूर कर। फिर सोचा साले अली सलाम को जिबा कर, नबी को कहां से कहां नफ्स पहुंचा देता है, कहां से कहां आदमी के साई शादी को पहुंचा देती है, कहां से कहां आदमी बर्बाद होने की घाटी पर पहुंच जाता है। प्रोग्राम बनाया सारे अले सलाम के खत्म होते हैं, जो तुम्हें सही राह बताते हैं, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करवा रहे हैं, दुनिया आखिरत बनने का रास्ता बता रहे हैं, दुनिया आखिरत की कामयाबी की राह तुम्हें सुझा रहे हैं, उनको ही खत्म कर रहे। तीन दिन पूरे हो गए, हम उनका गणतर जैसा फणतर ऐसा गणतर जैसा बनता रहे बोलो ना। हाँ बैठो बैठो, इमाम साहब के पास बैठो, मौली साहब के पास बैठो, हाफिज साहब के पास बैठो, और सही भंडर सीखो। ये जो भंडर जो है ना, जो तुम बहुत मेहनत करो, कोशिश करो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, ग्रेजुएट बनो, एमबीबीएस क्या हम इसके बाद तर्जमा करूंगा तो तुम अच्छा नहीं लगेगा तुमको, MBBS और MD और MD और जो भी हो MD जो भी हो करो, सब करो, अच्छे बनो अच्छे टका वाले के साथ। लेकिन ओ बच्चों, MD बनो मुसलमान MD बनो, MBBS बनो मुसलमान MBBS बनो, इंजीनियर बनो मुसलमान इंजीनियर बनो, वकील बनो मुसलमान वकील बनो। मना नहीं है, इसलिए कि पहले तो मुसलमान है बाद में तो वकील बना, कि माना बेटी वकील बना। सारे इंसान समझाते रहे, बात समझ में नहीं आई, और इनका गणतर कि भाई कौम आंख पर जो अजाब आया था वो बाबा जोड़ा का आया था, और इससे पहले नूह अलैहि सलाम की कौम पर अजाब आया था वो पानी का सैलाब आया था, क्यों आई थी? आपने तो टेक्नोलॉजी, आपने तो मकान ऊपर पहाड़ है तो ऊपर चढ़ी जाओ, पानी इतने छो आवे अना मकान मुझे ही के पत्थर मुझे दे हूं दरवाजो तो बाबा जोड़ी ने हवाई चौथी आवश्य। अल्लाह ने न पानी भेजा, अल्लाह ने न बाबा जोड़ा भेजा, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। क्या भैया? अरे बोलो निया, बात पूरी कर दू, मैं बात का खत्म कर दू, पुण्य भैया कर दू। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और फरिश्ते ने आकर एक चीख मारी, अल्लाह अल्लाह है,
डरो अनुसंधा से, जो आंखें देना भी जानता है, अंधा बनाना भी जानता है, जो जबान देना भी जानता है, गोगड़ा बनाना भी जानता है, जो कान देना भी जानता है, बहरा बनाना भी जानता है, जो समझदार बनाना भी जानता है और पागल बनाना भी जानता है, जो हाथ पैर देना भी जानता है और लंबा डालकर बेकार करना भी जानता है। दो मियां बीवी थे, हम दो मियां बीवी, बीवी को भाई और शौहर को दुकान पर रास्ते में दोस्तों की टोली में हंसेगा और घर जाएगा तो हसी बन हमारी प्रतिबल देगा। क्यों गया था? ना ना हाँ बोलो, सारी हसी गई, टमाटर लग गया मेरा नाम तो हसबन है, हसी बन हो गई भाई में, भाई में नो लाई विदाउट वाई। खाना खा रहे थे, खाने में चिकन बनाया था, एक फकीर आया, अल्लाह आपके वास्ते दे दो, तो समझदारी की बात ये थी कि अपने पास तो कुछ नहीं था, उसी ने दिया है, ये बेचारा आया है तो जरूरत में दे दो, यही है ना। लेकिन नशे होते हैं नशे, तो वो शोहर उठा, दुकान पर आओ तो दे दो, रास्ते में मिले तो दे दो, यार खावा बैठा तो चैंपी खावा देता तो दे दो, जोर से तमाचा मारो। ये तमाचा क्या धन मिलाया, ये नमाजों का छोड़ना, ये गंदे मोबाइल का देखना, औरतों के साथ गलत ताल्लुक पैदा करना, पराई बच्चियों को लेकर घूमना और उनसे इनकी इज्जत का खेल खेलना, क्या धन लाएगा वो भविष्य तुझे बताए। आज तो खुश हो रहा है, आज तो खुश हो रहा है गुनाह करके, पति चला गया, लेकिन अल्लाह ने फैसला किया अब वो ना माल असर खाई नहीं, सबसे असर जीता है, अल्लाह ने लेना शुरू किया, अल्लाह देना भी अंतर है और लेना भी अंतर है। हाँ इतना दिया इतना दिया इतना दिया अल्लाह ने, धंधो ही क्यों कारोबारे क्यों आरोप के सही और खावा ने बहुत नहीं, तो सीधो सीधो अल्लाह ने शुक्र अदा करो, आत्मा बड़ा अल्लाह ने बंदा ने पढ़िया लोगों आ जाए तो शुक्र दो, हाँ आई एम समथिंग, हाँ बेटा दुआ हो तो और समथिंग। एक मतलब बीवी से कहा भाई जो अब मारा पेट को नौका मारे कोई लेता मुद्दा ने शुक्र तो मुद्दा ने कलाकार लीजू बात बिना शोहर की शादी कर तो बनू था मालूम दूजा मशीन गुजरी जाए, ठीक है बीवी भी गई, किसने छीना किसने छीना। जब नियमतों की नाकदरी होती है तो अल्लाह टोपी की नियमत छीन लेता है, दाढ़ी की नियमत छीन लेता है, इस्लामी लिबास की नियमत खुदा छीन लेता है, नमाज की टोपी खुदा छीन लेता है, रोने की जरूरत है। हर दरख्त की पत्ती अलग, बावड़िया ना पौधड़ अलग, लेबड़ा ना अलग, लेबुड़ी ना अलग, है ना, कभी जोयू मैं लेबड़ा ऊपर बावड़िया ना पौधड़ हो, बावड़िया ऊपर लेबड़ा ना पौधड़ हो, तो मुसलमान ना बदन ऊपर बावड़िया ना पौधड़ शौकी आए सोचने चाहता है, सोच लीजिए।
अल्लाह अल्लाह है। अब उस औरत का दूसरे शोहर के साथ निकाह हो गया, अब ये मेहमान खा बैठे दूसरा शोहर नहीं, एक तो फकीरा है, अल्लाह के हाथ से कुछ दे दो। तो उस शोहर को अपनी पहली हालत याद थी, आदमी माँ के पेट से वकील बन जाता है, माँ के पेट से इंजीनियर बन जाता है, माँ के पेट से डॉक्टर बन जाता है, माँ के पेट से प्रोफेसर बन जाता है, मेरे अल्लाह ने मुझे वकील बनाया है तो मैं अल्लाह के बंदों की सेवा कर दू, डॉक्टर बनाया है अल्लाह के बंदों की भी सेवा कर दू। मैं तो पहले दिन जो डॉक्टर था तो उसको भी अपनी पहली हालत याद थी, क्या आब्राहम को कोई नहीं दूँ पैदा था क्या हमसे खा लिया था, अरे बुजुर्ग तो अतु जैब होता है, जैब होता है ज्ञान शुक्रू पैदा था कि जैब बुजुर्ग है शुक्र तो नहीं ना ओके शुक्र बुजुर्ग सिद्धा को शुक्र ओके 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 अंजा। और जब मरेगा तो भी कफन में पॉकेट नहीं होगा, कफन में पॉकेट नहीं होगा और हाथ में कोई ढेला पैसा नहीं होगा, आया था खाली हाथ, जा रहा है जा रहा है तो बचना दारा में शू करी ये बदमाशियों करी बदकारियों करी फैशनों करी सुन्नत ना लातों मारी अल्लाह ना हुक्म ना धक्को मारी ये करी बेटा बीजू कोई करी हूं।
तो शोहर अंदर से दौड़ा और अंदर से दौड़कर कहा, शाह साहब हमने आप पर एहसान किया तो उसमें दिए और आपने मेरी बीवी को जादू कर दी, बेहोश हो गई। भाई साहब मैं किस्मत का मारा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कहीं छोड़ूंगा नहीं जब तक बीवी होश में ना। बीवी होश में आई, क्या इसने क्या किया, कुछ खिला दिया, कुछ कुमारी, कुछ मंत्र धंतर, कहीं कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दो, मैं अपनी दास्तान सुनाती हूं, मैं अपनी दास्तान सुनाती हूं। घर में आई तो सुना कि जब आपने मुझे खाना लेकर उसको देने के लिए भेजा तो मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं पहचान गई ये मेरा पहला शोहर है जिसने फकीर को थप्पड़ मारा था, आज अल्लाह ने इसको फकीर बना दिया। इस सदमे में मैं बेहोश हुई तो दूसरे शोहर ने कहा मेरी भी सुन, वो थप्पड़ खाने वाला मैं फकीर था, आज अल्लाह ने मुझे मालदार बना दिया, सुभान की कुदरत। यह है डरो उस अल्लाह से, पढ़ो मेहनत से पढ़ो, लेकिन ये चीजें जिंदगियों में लाने के लिए एक मेहनत खुदा देती है, वो मेहनत है दावत तो तबलीसी में है। पढ़ाई के वक्त में अच्छी तरह पढ़ो, जिस दिन आपकी मस्जिद का गश्त हो गश्त में शरीक हो, जिस नमाज के बाद आप हाजिर हो तालीम है तो तालीम में बैठो, पन को से हफ्ता वाली इज्तिमा है तो हफ्ता वाली इज्तिमा में पहुंचो, छोटा मोटा वैकेशन है बर्बाद न करो इधर उधर, जितना वैकेशन है इसमें से थोड़ा वक्त, हम ये नहीं कहते पूरा, थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाओ, लंबा वैकेशन है तो लंबा अल्लाह के रास्ते में जाओ, और आपका फाइनल हो रहा है, फाइनल और फाइनल एग्जाम हो गया, दुआ करो क्या दुआ करो, जब उस वक्त होटल में जाके बर्तन मान लू क्या दुआ करो, ये रिजल्ट अच्छा आवे, ये तो बेटा जीवन में नशीब से वो रिजल्ट आवे, अब आओ तो बाद में होंगे आपका भरत पढ़ता रहे सो अने मोबाइल ना ओपन नजरों तोड़ता रहे सो, अब तो मैं अच्छा रिजल्ट आवे फाइनल तेरा हो गया, भूल गया तू फाइनल एग्जाम को, फाइनल एग्जाम मटर के मैदान में होगा और रिजल्ट सबके सामने आएगा, तू रिजल्ट सुनकर आघात नहीं कर सकेगा, खुदकुशी नहीं कर सकेगा, क्या वना भी तो मरी जाओ भरो, 10 बरस तूने लगाए अपना नतीजा को फेर, अरे तूने 10 साल लगाए, अल्लाह ने तुझे 50 साल दिए, 60 साल दिए, 70 साल दिए, तू नमाज ही नहीं पढ़ सकता, तो अपने आंखों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तू आपको तू ओशो बंद कर ही देते हो, गंदी तस्वीरें आने पर तूने आंखें बंद नहीं की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक का आखिरी इंसान, बहुत बड़ा इज्तिमा, बहुत बड़ा जोर, बहुत बड़ा, अब तुम आकर कितने आए हो, 1000 आए हो, इतना बड़ा स्टूडेंट क्या है, उनके मुंह में जीरा, अल्लाह का कुल पढ़ना, बहुत अच्छे आए हो माशाल्लाह, और फिक्र के साथ आए हो, अल्लाह आपको अच्छा करना, इसीलिए भाई ये सारी मेहनतें सारी बातें हैं, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हम ये चाहते हैं मुसलमान हो तो मुसलमान बनकर रहो, और एक स्टूडेंट आम इन खुला तो तुम फट बोल क्या तो नाम पूछते हैं स्टूडेंट को तो पहला सरने बताते हैं, हाँ डोरिया उस्मान इब्राहिम, पहले डोरिया के पहले उस्मान, काजी मुसलमान सुल्तान, मोमिनन ठीक है मोमिनन, ये याद रखना तू, अब सारा मजमा है, अब एग्जाम हो रहा है फाइनल और रिजल्ट, उस्मान बेटा अब्दुल रहमान का खुला जगह का रहने वाला आ जाओ एग्जाम के लिए,
तमाम नबी, तमाम फरिश्ते, और एक तरफ जन्नत चमक रही होगी, एक तरफ जहन्नम भड़क रही होगी, और जहन्नम गुस्से में होगी। भाई हो सकता है गुस्से में टुकड़े टुकड़े होकर बेकाबू होगी, तो उसको काबू करने के लिए उस पर 70,000 दुकानें लगाई जाएगी। कितनी? 70,000। कितनी? सेवन की बोलो हमारे दादू के इससे हमारे शादी में दोनों मिल जाते हैं, जब भी मेरे कम किसी लेवल में जाते हैं उसके मंत्र में बनकर। और सिक्के 70,000 दुकानें हो गई, हर दुकान को पकड़ने वाले 70,000 कितने हुए मनुष्य गणित थे, कितने हुए एक दुकान पर 70,000 मनुष्य, और दुकान में 70,000 सीटियो सीटियो आगे बैठे छोड़िए, तेरा कैलकुलेटर बैठ है, फाइनल एग्जाम हो रहा है, सब काम रहे हैं, लोग आदम अलैहि सलाम के पास जाएंगे, आप पहले नबी पहले इंसान, हिसाब शुरू करा दो ना भाई ना निकला कैसे मानो तो नूह अलैहि सलाम के पास ना 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 हमारी मदद नबी इब्राहिम अलैहि सलाम के ना, मूसा अलैहि सलाम के ना, ईसा अलैहि सलाम के भाई मारू कदून तक रस्तों बता रू अशर के मैदान में, अभी चौथे आसमान पर सूरज है, इतनी गर्मी है अभी, ये ऐसी चालू थी फिर भी दरवाजे खुलवाने पड़े, कारण के एक तो मौसम की हीट और एक तमारी लिबास नहीं होगा, पैर में जूता चप्पल नहीं होगा, जैसे बच्चा दुनिया में आता है इस हाल में हर एक बड़ा होगा। मां ईशा रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, कितनी शर्म की बात होगी कि हर एक इंसान मर्द और औरत इस हालत में होगा। आपने फरमाया ईशा मसला दूसरा होगा, हर एक की नजर निशल पर होगी, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं, जमीन गर्म होकर तांबे की तरह लाल, बदन से पसीना, ईसा अलैहि सलाम कहेंगे रास्ता बता दूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, हाय हाय ऐसे प्यारे नबी दिए कि हशर में पूरी इंसानियत का काम बन जाएगा। ओ मेरे बच्चों, अगर हम सुन्नत पर चलेंगे हमारा काम खुदा नहीं बनाएगा, जाएंगे ठीक है इसके लिए मैं हूं आप अक्ष के पास जाएंगे, एक लंबा सज्दा करेंगे, उसमें अल्लाह के वो मकान करेंगे, आपने बनवाया उस मकान के शब्द अभी मेरे दिल में नहीं है, उसको तो मेरा अल्लाह डालेगा, लंबा सफर सज्दा देकर अल्लाह खुश होगा, और अल्लाह यूं कहेगा या मोहम्मद इरफा रास, नबी जी सर उठाइए, सर तोड़ता मांगिए दिया जाएगा, इश्फा तुशफा सिफारिश कीजिए सिफारिश कबूल की जाएगी, ए अल्लाह तेरे बंदे परेशान हैं, हिसाब किताब शुरू कर, अभी रिजल्ट तो आना बाकी है, हिसाब किताब शुरू होगा, एक एक को बुलाया जाएगा, फाइनल एग्जाम, पहला सवाल जिंदगी कहां लुटाई,
अपनी जिंदगी की कीमत को अपनी आखिरत बनाने के लिए कहां बिताई। दूसरा सवाल, जवानी कहां बिताई? जवानी में ताकत दी थी हमने, खूब इबादत करके, खूब नमाज पढ़ते, खूब रोजा रखते, खूब दीन की मेहनत करके क्या किया? माल कहां से कमाया? शाहिद बनाए थे अल्लाह ने, तमाम शाहिद बनाए थे, शहरे भी नक्की कराई। अब कोई बिचारो ये दायित्व कौन ले आवे तो बारे कौन बोल से ये शाहिद मजे नहीं जवान बोलो शू से आपको काम से साहेब बना है माल कहां से कमाया? रिश्वत से, लोगों को परेशान करके, लोगों को डराकर। माध्यम आदमी यहां दर्द हुआ सीना में, सीधा नाटो, अब वो बैठे हैं सेवा के लिए तो बैठे नहीं है भाई, जरा कभी करूं गर्म करूं 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 जो कहा घेर पासा नहीं जाता ना कि रास्ता में जाऊं, इसी मुंह आया तो रास्ता बंद ले घेर दे तो रास्ता बंद ले, ऐसा डरा रहता है। और तुम्हारी इंजू ग्रामीण आकार बाईपास बाईपास क्या कर रहा है भाई, इशारे को डरा रहा है। ऐसे भी साहेब है, दीन वाले तकवे वाले ऐसे भी हैं कि दर्द हुआ और गए, घबराने की जरूरत नहीं थी, आ तो बोलो गया से गोट गोटा खर्चा करवाना जरूर क्या कह देता। हम लोग जॉर्डन थे तो हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब उनके पास कोई पेशेंट आवे तो गुस्से हो गया, क्यों आए हो? अगर डॉक्टर गुस्से था तेरी सीढ़ी पर कोई छड़े, ये तो एडवाइस आज कह रहे थे अयो ना मानू अयो ना मानू, एडवाइस का मतलब ये है जो विजय ना जाता आने वाला, क्यों आए हो? दवाई लेने मारा तो शुद्ध तो मालूम मसला तो अल्लाह का हमने, ये दुआ पढ़ो अल्लाह से दुआ मांगो, फिर दुनिया दारू जो सवाब है थोड़ी बहुत दवा तो लेनी पड़ेगी, लो अब मुझे ले लो, ये है मुसलमान, ये है मैंने अल्लाह का यकीन सिखाया ये मसला अल्लाह के हाथ में है, उससे हो जाते और अल्लाह इनको इज्जत की रोजी देता था और पेशेंट को इनकी गोलियों पर इत्मीनान होता था। माल कहां से कमाया? माल कहां खर्च किया? चोरी का माल गोली में सूर्या तो नहीं, चोरी का माल बोलो तो खरा, चोरी का माल मोरी में। पहले जमाने में बाथरूम नहीं होते, अगर तुम्हें ग्रेजुएट बनाए के बाथरूम तो शायद मोई चो अला पार पथराव पर लंगोट पौधी शायद ना था, एक दो पौधी ले बाथरूम जो दुआई ना तो घर में एक मोरी बना देते जिसमें नल नहीं होता था, एक गोल पौनी लेन जाता एक पार्ट लेन जाता और मोरी में ऐसा घाट रखा जाता, ये पौनी पड़े सिद्धू बात, ये पौनी पड़े सिद्धू बात, लगे तो काफी शुद्ध नहीं जाते, तो पानी जितना मोरी में आया इतना बाहर, चोरी का माल मोरी में है, जितना आया पानी कितना गया, सारे कंगाल न कंगाल दे दिया। ये भाई ने ऐसा बोला है, जितना जानते थे इतना क्या अमल किया, नमाज रोजा सच्चाई अमानतदारी आंखों की शर्म जबान की सच्चाई कानों को क्या अमल किया। फाइनल एग्जाम
अब जब आप सही नहीं किया तो शायद बन सकेगा फाइनल एग्जाम में जीरो किए नहीं थे। एक स्टूडेंट था, उसको उसके अब्बा ने कहा बेटा अच्छे टका वाली से तू पास होगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा शोरूम में। कहा ले जाऊंगा? कहा ले जाऊंगा? कौन सा बाइक चाहिए, कौन सी फॉर्मेट चाहिए दिला दूंगा। क्या पांच ही बार वही ने बाइक दिया दिलू और भी दिया दिलू पर शरद अति अच्छा टका वाली थी पास कोई याद नहीं। मुसलमानों को इज्जत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, चैन मिलेगा, हिफाजत होगी, अल्लाह की मदद होगी जबकि मुसलमान दीन पर चले याद नहीं। आज अल्लाह की मदद चोर से, आज अल्लाह ने रहमत चोर से पर शना ऊपर लिया खाली नौम ऊपर है। एक दुकान आदमी ने खोली और इस पर लिख दिया ए टू जे स्टोर और अंदर उंदरा कटे सामान नजर खाली नौम से जा। नाम है मुसलमान, हदीस पाक में आता है एक जमाना ऐसा आएगा इस्लाम का नाम रहेगा, इस्लाम जिंदगी में नहीं रहेगा। बढ़िया ला यबका मिन अल-इस्लाम इल्ला इस्मु, सारे तौर पर ही बदल जाएंगे। वह एग्जाम क्यों और रिजल्ट मुकाबले में नहीं घर पहुंचा। अब्बा अब्बा फोन भी हेलो शोरूम और रिजल्ट तो जो है ना अजा आप तो जीरो किए नहीं अच्छे से जा। अब्बा फोन भी तो मैं गिर दूँ अना ये बाइक चॉइस करो ये भाई क्या आज तो इंसान माय चॉइस और इसी जो है माय चॉइस हाँ तो ओवर ये फॉर्मिंग ना फॉर्मिंग भूल जा रहा हूँ तेरी दूरी साइकिल से एक दिन जा ना कि ये ले लो दो मजा पैदल जा सकता नहीं हूँ नहीं किया। फाइनल एग्जाम बाकी है,
इसकी तैयारी करो, ये दावत की मेहनत उसी की तैयारी में। ये स्टूडेंट मीर बिरादरी का मेरे पास आया, मैं पढ़ा रहा था खाली साहब काम में सब लोग माशाल्लाह सुंदर इस्लामी यूनिवर्सिटी। मेरा मैरिज होने वाला है, क्या होने मेरा अब्बा कैसा डाड़ी उतरवा दे, लेकिन मैं कहता हूं अब्बा मैरिज हो ना हो तो भाई भाभी ना पे डाड़ी नहीं उतरा दूंगा। आदमी जम जाता है ना, तो जमने पर कीमत बढ़ जाती है। आपके यहां दूध की कीमत ज्यादा है कि गरीब की? अरे लाया बताना के आदमी जम जाता है, जम गया अब्बा ने कहा ठीक है डाड़ी रहने दे, लेकिन ये लिबास निकाल दे और जींस पहन, जींस आज तो मुसलमान पहनने का सलीका भी खत्म कर चुका। अब खाटे को काटू पहले से तू फैशन देखा गया, फैशन फैशन तेरे फैशन इतने पोकारियो कि तारा से शर्म है आप तेरे તારી હાથો દેખાય છે, તારું વેચણ દેખાય છે અને ચીડી થી તારો પાટણ જીન્સ એવું છે કે જેનું ભેગ ચાટી ગયું એના પર સહી રિવાજ તો પહેન, સહી રિવાજ તો પહેન, તો ઉસને કા નહીં એ મુજસે નહીં હોગા। ફિર બાપને કા એક કામ કર, શાદી કે દિન જીન્સ પહેન દે। अब क्या करूं, मैंने कहा पहन लू शर्ट पहन लू, क्या बाप के सामने जीत बंद कर। अब वो पहनेगा तो खुशी के साथ पहनेगा, अब आप तीन पैर से कई शादी था कई गाड़ू, कई शादी था कई गाड़ू, यहां तो काले के यूनिफॉर्म शर्ट का नहीं है तो शुरू शुरू करें जाए रहे हो अला काले में तो जो लिबास पहने यूनिफॉर्म शर्त नहीं है तो तू आओ तो दुष्कर्म करे सर आए स्टूडेंट ये भूली जा करो, मैं मुसलमान हूं, मेरी नमाज नहीं जाएगी, मेरी आंखें गलत नहीं देखेगी, मेरे कान गलत नहीं सुनेंगे, मेरी जबान से गायन पायन नहीं होंगे, मैं माँ बाप को नहीं सताऊंगा, मेरी रातें गंदे मोबाइल में देखने में नहीं होगी, अभी से मैं रातों में उड़कर तहज्जुद गुजार करने की कोशिश करूंगा। आज जवान होकर बुढ़ा हो गया, आज तंदुरुस्त हूँ कल बीमार हो जाऊंगा, आज जिंदा हूँ कल मोटा हो जाऊंगा, आज जमीन पर हूँ कल जमीन के नीचे चला जाऊंगा, आज माँ बाप के बीच में हूँ कल कब्र की तन्हाई में होऊंगा, आज घर के उजाले में हूँ कल कब्र के अंधेरे में होऊंगा, ये अल्लाह तो मुझे हिदायत दे दे। हाँ अभी से मस्जिद और जमात में बैठो, जो अपना वक्त है इसको अल्लाह के दीन की मेहनत में लगाओ। मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ, वो हमारा एक डॉक्टर है, अगर ये डॉक्टर जानवर होता है क्या कहते हैं खबर खर्चे खर्चे चले पशु नो डॉक्टर पशु नो आपने नेचर उतनी बात करवानी अंग्रेजी बोलवानू जैसे मुझू पकड़ू पड़े। एक मौनी साहब थे सफर कर रहे थे, एक अंग्रेज भी वहां बैठा था, अंग्रेज की कोई चीज गिर गई तो बेचारा बड़ा आदमी था, तो मौलवी साहब ने उठा कर देने का इरादा किया, अभी दी नहीं थी तो उसने कहा थैंक यू, तो मौलवी साहब समझे थैंक यू तो फेंक दी। तो सीधू से तो काका बोलो क्या बात तमाम ये थैंक यू थैंक यू शू देश गयो विदेश गयो सीखी लाओ नवी वाणी वाटर वाटर करके प्राण खोया खट्टा नीचे पानी। ये बेटो वाटर वाटर मतलब मरवा पड़ा था, अब घर वालों को वाटर वाटर घर वालों शू वाटर समझे अने इन करते करते मजा करा खट्टा नीचे पानी है तो पानी क्या ना पानी भाई वाटर वाटर छोड़ नहीं आते। इसे नियत करो कि इंशाअल्लाह निंदा बनकर जिएंगे और मुसलमान बनकर पढ़ाई करेंगे और इंशाअल्लाह आप
आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और अल्लाह आपको औरता और डिग्री भी देगा। अब मैं अपनी बात पूरी करूं, भले ये समझता है कि माल से, सामान से, ओहदे से, डिग्री से, सैलरी से, जमीन और जायदाद से, कुव्वत और शक्ति से मेरा ग्रेड बढ़ेगा, मेरा वैल्यू बढ़ेगा, मेरा मकान बढ़ेगा। बहुत धोखे में है, बहुत धोखे में है। तेरा ग्रेड बढ़ाने के लिए दो चीजें खुदा ने बयान की है, अपना ईमान और यकीन बना और अपने बदन से निकलने वाले आमाल से निकल ले। तेरा ग्रेड वो बनेगा जो दुनिया सोच नहीं सकती। करोगे अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। एक नियत और नफल ये कर लो कि आज के बाद से इंशाअल्लाह हमारी नमाज को आगे पीछे। अच्छा, आपका बड़ा वेकेशन जब आएगा तो आप लोग अल्लाह के रास्ते में जाओगे? कौन कौन जाएगा? आज तुम्हारा टुकड़ा सजा अल्लाह का फरमाए, अल्लाह की तरफ फरमाए, अल्लाह आपकी पढ़ाई में खूब बरकत नसीब फरमाए। बस अपने आप को संभाल लो, पढ़ाई तो हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन असल मसला होता है दिल शरीफ। अच्छा, आपने हल्के बनाकर तस्वीरें तो सुनी है ना, ये याद रखियो क्यों लगी ना याद, और इसके मुताबिक अपने आप को चलाते रहना। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعلم الوجود الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ونسيرا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ آج تک کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ گنہ گار ہیں، فساوار ہیں، مجرم ہیں، قصور بات ہے، تو دیکھتا رہا اور اب گناہ کرتے تھے، کرم ہے تیرا کہ تم نے قارون کی طرح دسایا نہیں اور قوم عاد کی طرح اڑا کر بھیجے گھوڑے نہیں اور قوم سمود کی طرح فرشتہ بھیج کر کلیجے پھاڑے نہیں، تو نے موقع دیا ہے کہ اللہ ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دے، نیکی اور بھلائی کے کام کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ یہ تیرے بندے ایسے ماحول میں ہیں، اس ماحول میں آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں، قبر کا کوئی تذکرہ نہیں، دین کا کوئی تذکرہ نہیں، دنیا 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 دنیا، عہدہ عہدہ عہدہ، سیلری سیلری سیلری، اس کے سوا ان کے کان کچھ سنتے نہیں ہیں. اے اللہ ان کو تعلیم میں بیٹھ کر، بیانوں میں بیٹھ کر آخرت سننے والا بنا دے. اے اللہ اصل سیلری تو دے گا، وہ جنت کی شکل میں دے گا، جس کا یقین تو ان کو نصیب فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان تمام بچوں کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، جو مذاکرے ہوئے قبول فرما، جو فکر ہوئی قبول فرما، جو انہوں نے ارادے کیے قبول فرما. اے اللہ اے اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن شیطان کا مار دیتا ہے، ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نفس ہمیں پچھلاتا رہتا ہے، ہم چلنا چاہتے ہیں قدم ہمارے ٹکرا جاتے ہیں. اے اللہ اے اللہ ہماری اس توباتوں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری اس توباتوں کو قبول فرما دے، ان رشتے داروں کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کو دینداری کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان رشتے داروں کو اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے گاؤں اور شہر میں تو دینی اعتبار سے ایک سیمپل اور نمونہ بنا دے. اے اللہ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ
जब पूरी इंसानियत के सामने बाप भी होंगे, माँ भी होगी, भाई बहन भी होंगे, जान पहचान वाले भी होंगे, हरेक के सामने फाइनल एग्जाम होगा। और अगर नतीजे में जहन्नम का फैसला हो गया, अल्लाह जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह उस फाइनल एग्जाम में तो हमें कामयाब कर दे, तो हमें कामयाब कर दे, तो हमें कामयाब कर दे। और कामयाबी के लिए दीन है, वो दीन हमारी जिंदगी में दाखिल कर दे। और दीन को दाखिल करने के लिए दावत की मेहनत है, इस मेहनत में तो मैं आफियत के साथ बता देता। बस्ती वालों की खिदमत को कबूल करता, जान माल इज्जत आबरू में खूब बरकत नसीब करना, इस मदरसे को कबूल करना, पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल करना, इस मदरसे की हर कितने से हर शर से हिफाजत करना, इसके खराजात का गैर से तकबुल करना। अल्लाह हमारी तरफ से और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हमारे आका ताजदार मदीना बकरे तो आलम मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा काली मंगली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शायद निशान बताए खैर नसीब करना। प्यारे नबी अलैहि सलाम ने जो जो खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को नसीब करना, ये जरूर से बना चाहिए हमारी और पूरी उम्मत की अपने करम से हिफाजत करना। तो बना तकबल मिलना इन कहान सभी उलाड़ी وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين। देखो भगवान के अंदर सबकी मुलाकात